और ये गोवा एक्सप्रेस रेडी है गोवा जाने के लिए फ्रॉम यशवंतपुरम रेलवे स्टेशन बेंगलोर, और बस अभी वेट हो रहा है क्लीनिंग का। उसके बाद देख सकते हैं आप हमारी ट्रेन रेडी है गोवा जाने के लिए, और आज हम जा रहे हैं इस स्लीपर ट्रेन में, जो कि मेरा सफ़र होने वाला स्लीपर का। लास्ट टाइम मैं गया था एसी से, लेकिन इस बार मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ स्लीपर का। और ट्रेन हो चुकी है लेट, और इसका टाइम था 3 PM आफ्टरनून फ्रॉम यशवंतपुरम, बट अभी लेट हो गई है, ये यहाँ से चलेगी 3:45 पे। और ये गोवा वाला आइकन देख सकते हो, आई लव गोवा। और ये स्कूटी आप मेरे को मिल चुकी है, मैं इस स्कूटी से आगे जाने वाला हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे। तो इस बार क्या है, स्कूटी थोड़ी पड़ी है, चार्ज बढ़ गया है क्योंकि पीक टाइम आ गया है नवंबर दिसंबर। हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसे कि नई ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है बैंगलोर टू गोवा, और रेलवे स्टेशन है यशवंतपुरम। तो अभी मैं ट्रेन, ये देख सकते हो पीछे अपनी ट्रेन खड़ी है, थोड़ी देर में चलने वाली, तो अभी इंजन लग रहा है ये पीछे आप देख सकते हो, और एक्साइटमेंट पूरी है क्योंकि एक साल में अपना दूसरा चक्कर लगने वाला गोवा का। अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। तो इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे यशवंतपुरम से मेरी ट्रेन का सफ़र रहने वाला है गोवा तक, और क्या क्या रहेगा, और कैसे कैसे कौन सी ट्रेन है और किस टाइम निकलेगी और कौन से प्लेटफॉर्म पर मिलेगी और कैसा मेरा सफ़र रहेगा, बने रहेगा ला। तो इस बार जा रहा हूँ मैं स्लीपर क्लास में, और एसी का इस बार नहीं किया क्योंकि गोवा जा रहा हूँ और वैसे भी सही मौसम है तो स्लीपर का मज़ा ले सकते हैं। आज की हमारी ट्रेन नंबर है 17309, जो कि चलती है यशवंतपुरम से वास्को डी गामा गोवा रेलवे स्टेशन, और ये डेली एक ही ट्रेन दिखी है मेरे को बेंगलोर टू गोवा, अगर मैं सही हूँ तो। अगर कुछ और भी ट्रेन है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, अगर आप जानते हो बेंगलोर से गोवा और भी ट्रेन जाती है तो कमेंट करके बता देना। बाकी मेरे को एक ट्रेन इधर से जाने की मिली है और एक ट्रेन मिली है उधर से आने की। एक्साइटमेंट तो पूरी है क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किलों से टिकट मिला है। अगर आप गोवा जाने का प्लान कर रहे हो तो पहले से ही बुक कर लो, क्योंकि ये पीक टाइम चल रहा है नवंबर और दिसंबर और आगे जनवरी भी, क्योंकि टिकट मैक्सिमम पब्लिक जा रही भाई गोवा, उसी में मैं शामिल होने वाला हूँ गोवा जाने के लिए। और गोवा में कंटिन्यू मस्ती चलेगी अभी 1 वीक संडे तक, फुल एंजॉय भाई। ट्रेन लग चुकी है लेकिन लेट, शायद जहाँ से पीछे से आई ट्रेन ये मतलब गोवा से आई है, तो अभी इसकी ना क्लीनिंग चल रही है, तो अभी मैं बाहर बैठा हुआ हूँ। टाइम हो गया है 3:05, जबकि इसका टाइमिंग है 3:00 का निकलने का यहाँ से, बट अभी लेट है, देखो कितने टाइम में क्लीनिंग करते हैं। तो ये है अपना कोच, पानी ले लिया है, जैसे कि सफर में पानी की सख्त जरूरत पड़ेगी, और अंदर जो मिलेगा चाय तो अभी ट्रेन चलने के बाद ही लूंगा, बाकी सफर अपना कंटिन्यू रहेगा, मजे लेते रहो ऐसे मेरे साथ। इसी के साथ पहुंच चुके हैं हम हुगली स्टेशन, और हमारा डिनर हो चुका है और अभी मैं सोने वाला हूं, सो के उठने के बाद सीधा गोवा। तो गाइस फाइनली पहुंच गए हैं गोवा, देख सकते हो ट्रेन हो चुकी है पूरी खाली, और अब से हमारी होती है गोवा ट्रिप, यानी कि न्यू न्यू पार्टी और न्यू न्यू बीचेस लेने वाले मजे। और देख सकते हो सफर कैसा रहा है, जैसे कि आपने देखा है सफर तो रात का कैसा रहता है, बस रात को खाए पिया सोए और उठे, दूध सागर देखने को उसके पे कुछ दिखा नहीं रात में। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है इधर स्टेशन पे, आई थिंक दे आर प्लानिंग टू मेक न्यू। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं गोवा रेलवे स्टेशन, और स्कूटी मैंने ले ली है और अभी मैंने चाय भी पी ली है। पिछली बार क्या होता थोड़ा जल्दी हो गया था, इसलिए थोड़ा टाइम यहीं इधर ही स्पेंड कर लिया क्योंकि मैंने चाय वाय पी ली है, और यहाँ से अब निकलता हूँ।
अपनी लोकेशन के लिए। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा मेरी वीडियो में देख देख के पूरा, जैसे कि मैं मज़ा ले रहा हूँ, आप भी ऐसे ही मज़ा ले रहे होगे। तो भैया अगर वीकेंड पा रहे हो तो कुछ ज़्यादा ही मिलेगा, 400 to 500, इट्स डिपेंड योर बार्गेनिंग। बट अभी मेरे को पड़ा 350, तो लास्ट टाइम मैंने दिया था 300। बट अगर तुम मेरे रेफरल से जाओगे तो आपको एक स्पेशल ऑफर मिलने वाला अगर मेरे रेफरल से जाओगे। और मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट कर सकते हो आप। जाने से पहले कॉन्टैक्ट करो तो कंफर्म कर लो, क्योंकि वीकेंड पे बहुत प्रॉब्लम होती है स्कूटी लेने पे, क्योंकि क्राउड बढ़ने वाला है उसके हिसाब से। तो आप आने से पहले बुक कर लो, जैसे कि मैंने एक दिन पहले ही बुक कर दी थी अपनी स्कूटी। तो अभी चलते हैं अपनी स्कूटी लेके बागा बीच, करंगड़ बीच, मिलते हैं आपको बीच से। और इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।